टोयोटा ने अपनी इनोवा हाईक्रॉस को हाल ही में मतलब कि कल ही की डेट में इंडियन मार्केट के अंदर अनवील कर दिया। हालांकि अभी आपको डिलीवरीज वगैरह तो स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि गाड़ी जनवरी के आसपास डिलीवरीज के साथ में स्टार्ट होने वाली है, लेकिन हाईक्रॉस के साथ में कुछ ऐसे चीज़ें हुई है जिनके चलते कई सारे कस्टमर्स जो है कई सारे लोग दुखी हुए और कई सारे लोगों को ऐसा है कि अच्छा हुआ इनोवा को नया अपडेट मिला। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के इंडिया के अंदर या फिर मार्केट के अंदर बात की जाए तो मिक्स ओपिनियन आपको अभी देखने को मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपको क्लियर आइडिया आ सकता है कि गाड़ी के कितने फ़ायदे और कितने नुकसान हैं। ये तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर आपको इनोवा हाईक्रॉस के प्रोज और कॉन्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि कितनी चीज़ें आपको गाड़ी के फेवर में जाती हुई देखने को मिलेगी और कितनी ऐसी चीज़ें जो गाड़ी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं जाती। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले, आपको टोटल 6 एडवांटेज मैं बताने वाला हूँ और टोटल 3 डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेजेस से और फर्स्ट हमारा एडवांटेज है कि एडवांस फीचर्स। अब फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो आपको ऑलरेडी सब कुछ समझ में आ गया होगा कि इनोवा क्रिस्टा हमेशा से फीचर फ्रेंडली नहीं रही है, फिर वो इनोवा हो या फिर फॉर्चुनर ही क्यों ना हो, फीचर्स आपको ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। लेकिन इनोवा हाईक्रॉस के साथ में कई सारे फीचर्स आपको एडवांस फीचर्स आपको मिल रहे हैं और आप हमें कमेंट में बताना वो कौन से फीचर्स है, वो हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, वो आप हमें कमेंट में बताना कौन से एडवांस फीचर्स अभी मिलना स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि ये एक एडवांटेज के अंदर पॉइंट आ रखा है। सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो वो है फ्रेश डिज़ाइन। अब डिज़ाइन के बारे में बात की जाए तो कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इनोवा को खामखा अपडेट किया, डीजल इंजन रखना था, ऐसा कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि गाड़ी की डिज़ाइन को अपडेट मिला, फ्रेश डिज़ाइन आई है मार्केट के अंदर, तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है, तो इसलिए ये दूसरा एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एंड माइलेज। माइलेज की बात की जाए तो इनोवा क्रिस्टा और फॉर्चुनर दोनों ही 10 या फिर 15 तक ही माइलेज प्रोवाइड कर रहे थे और इनोवा तो 13-14 तक मैक्सिमम जाया करती थी डीजल के साथ में। लेकिन जो अभी पेट्रोल आएगा 2 लीटर का टर्बो, जो कि 2 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में आएगा, वो आपको 21 KMPL की माइलेज दे रहा है, तो ये एक अच्छा एडवांटेज हो सकता है या फिर एडवांटेज ही है। फोर्थ पॉइंट की बात की जाए तो वो है मोनोकोक चेसी के ऊपर गाड़ी बेस्ड है, तो इस वजह से आपको गाड़ी के अंदर बॉडी रोल वगैरह काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में देखने को मिलेगा जो कि लेडर ऑन फ्रेम के अंदर वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता था इनोवा क्रिस्टा के अंदर, जो अभी इसके अंदर और ज़्यादा रिड्यूस हो चुका होगा। फिफ्थ पॉइंट की बात की जाए तो वो है 0 to 100 इन 9.5 seconds, तो ये फास्टर इनोवा आप बोल सकते हो क्योंकि इनोवा क्रिस्टा हमेशा से पावर और टॉर्क के ऊपर ज़्यादा थी। उसका डीजल इंजन बहुत पावरफुल था, रिलायबल था और उसका लेजेंडरी माना जाता था उस डीजल इंजन को। वेरेज अगर इनोवा हाईक्रॉस की बात की जाए तो ये थोड़ी सी फास्टर हो चुकी है पुरानी वाली इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले और ये अभी आपको 0 to 100 9.5 seconds में क्लियर करते हुए दिखेगी। अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि गाड़ी के जो इनोवा क्रिस्टा का वेरियंट है वो आपको इनोवा क्रिस्टा डिसकंटिन्यू होगी या फिर कंटिन्यू होगी, उसके ऊपर अभी टोयोटा ने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, तो ये एक भी देखने वाली चीज़ हो सकती है। सिक्स पॉइंट की बात की जाए तो वो है लार्जर देन इनोवा क्रिस्टा। अब इनोवा क्रिस्टा की बात की जाए तो वो फैमिली MPV के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब इसको लोग भी बोल रहे हैं और हो सकता है सोशल मीडिया ही बोल रहा हो क्योंकि इस गाड़ी को अभी SUVs के अंदर ला दिया गया। हालांकि ये मोनोकोक चेसी के ऊपर बेस्ड है, हालांकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, रियर व्हील ड्राइव नहीं है, उसके बावजूद इसको SUV बोला जा रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन उसके अलावा मैं तो ये कहूँगा कि ये अभी भी फैमिली कार अगर मानी जाए MPV तो ही अच्छा रहेगा। तो लार्जर देन इनोवा क्रिस्टा की बात कर रहे थे कि इसके ये हर मामले में इनोवा क्रिस्टा से ज़्यादा बड़ी है, लार्जर है, लॉन्गर है, 20 mm ज़्यादा इनोवा क्रिस्टा से, 20 mm ज़्यादा वाइडर है और 100 mm ज़्यादा व्हील बेस के साथ में आती है इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले, तो ये एक अच्छा एडवांटेज आप बोल सकते हो क्योंकि गाड़ी के अंदर भी आपको स्पेस ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू इनोवा क्रिस्टा। अब बात करते हैं फ़ायदे के अलावा जो कॉन्स है उनके बारे में बात करते हैं जो कि डिसएडवांटेज है। सबसे पहला डिसएडवांटेज सभी लोगों को ऑलरेडी पता है और कई लोग इससे नाराज़ भी है और इनफैक्ट हम लोग खुद भी ऐसा सोच रहे हैं कि इनोवा हाईक्रॉस के साथ में ये चीज़ नहीं करनी थी। फर्स्ट पॉइंट वो डिसएडवांटेज है कि नो डीजल इन इनोवा हाईक्रॉस। अब इन लोगों ने गाड़ी तो लॉन्च कर दी है लेकिन 2 लीटर के हाइब्रिड के अलावा ये लोग 2.6 का डीजल अगर प्रोवाइड कर देते तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाता और लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते, लेकिन जो डीजल के फैंस है वो तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रखे हैं, तो इस वजह से आप इसको मेजर डिसएडवांटेज बोल सकते हो। और डीजल का ना होना वो एक ताज्जुब की बात हो सकती है क्योंकि इनोवा क्रिस्टा जो लेजेंडरी डीजल के साथ में प्रोवाइड हुआ करती थी वो
आप अगर उसका एनालिसिस सेल्स एनालिसिस देखते होगे तो आपको पता होगा कि गाड़ी इंडिया के अंदर जो बिकती थी वो 150 इनोवा में से आपको 2 इनोवा ही सिर्फ आपको पेट्रोल में देखने को मिलती थी, तो ये एक लेजेंडरी बात हो जाती थी अपने डीजल के अंदर जो कि टोयोटा प्रोवाइड करती थी। लेकिन अभी फाइनली इन लोगों ने डीजल को हटा दिया है, जैसे 2023 के और हम बढ़ते जा रहे हैं ये डीजल हमसे दूर होते जा रहे हैं, और इंडस्ट्री से अगर डीजल इंजन पूरी तरह से अगर चले गए तो फिर क्या ही होगा वो आप हमें कमेंट में बताना, कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन अभी और एक चीज़ भी फैक्टर्स के अंदर आती है कि क्या ये लोग इनोवा क्रिस्टा को फुल्ली डिसकंटिन्यू कर देंगे या फिर उसको भी डीजल के लिए उस गाड़ी को कंटिन्यू रखेंगे, वो अभी टोयोटा के ऊपर है। लेकिन एक मेजर डिसएडवांटेज था कि डीजल इंजन ना देना इन लोगों ने, क्या आप गलती तो नहीं कर दी? ये सारी चीज़ें अभी फ्यूचर के अंदर देखने वाली बात होगी कि लोग कितना इस गाड़ी के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं क्योंकि डीजल इंजन नहीं है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है नो रियल व्हील ड्राइव। अब टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर दोनों जानी जाती है, अगर आप इन लोगों के इन दोनों गाड़ियों के अगर 4x4 वेरियंट नहीं लेते हो, स्पेशली फॉर्चुनर का भी 4x4 अगर आप नहीं लेते हो, तो फिर भी ये गाड़ियाँ आपको रियल व्हील ड्राइव के सेटअप के साथ में देखने को मिलती थी। और इंडिया के अंदर डीजल वाली गाड़ी आपको रियल व्हील ड्राइव में मिल जाए तो फिर वो स्पोर्ट कार से नीचे आपको आप इसको नहीं मान सकते थे, क्योंकि रियल व्हील ड्राइव गाड़ी डीजल के साथ में बहुत पावरफुल और बहुत टॉर्क के साथ में आया करती थी, और रियल व्हील ड्राइव को चलाने का कुछ और ही फन था। जिन लोगों ने चलाई होगी वो उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा। लेकिन अभी जो इनोवा हाईक्रॉस है उसके साथ में रियल व्हील ड्राइव को हटा दिया गया है और सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव आपको देखने को मिलेगी, वही फ्रंट व्हील ड्राइव जो आपको इंडिया के अंदर नॉर्मल हैचबैक भी मिल जाया करती है, नॉर्मल सेडान भी मिल जाया करती है। i20 भी फ्रंट व्हील ड्राइव आती है और इनोवा हाईक्रॉस भी अभी फ्रंट व्हील ड्राइव आएगी, तो ये अभी क्या ही हो गया? आप हमें कमेंट में बताना कि आपको रियल व्हील ड्राइव ज़्यादा पसंद है या फिर फ्रंट व्हील ड्राइव। लेकिन ये चीज़ तो है कि रियल व्हील ड्राइव को हटा दिया गया है, और ये एक ऑप्शन ज़रूर मिलता है कि अगर आपको फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन लेना है इनोवा हाईक्रॉस के साथ में तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन जो इनबिल्ट या फिर टिपिकली आप अगर लो वेरिएंट भी लेते थे इनोवा क्रिस्टा का तब भी आपको रियल व्हील ड्राइव मिलता था, लेकिन वो चीज़ आपको हाईक्रॉस के साथ में देखने को नहीं मिलेगी। और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी हमारी स्टोरीज के ऊपर कमेंट में ये बोल दिया कि रियल व्हील ड्राइव को इनोवा से हटाना मतलब इनोवा क्रिस्टा का डील और धड़कन जो थे रियल व्हील ड्राइव और डीजल दोनों को टोयोटा ने हटा दिया, तो फिर अब क्या होगा इसकी सेल्स के साथ में ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन थर्ड डिसएडवांटेज है कि क्वेश्चन ऑन द रिलायबिलिटी, अब लोग इसकी रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया गया क्योंकि डीजल इंजन हटा दिया है जो कि लेजेंडरी के काउंटिंग में आता था, और उस गाड़ी का उस डीजल इंजन की रिलायबिलिटी इसकी इतनी थी कि गाड़ी को लोग 7-7 लाख तक चला रहे थे। और यही क्वेश्चन अभी गाड़ी के अंदर आ रखा है क्योंकि गाड़ी के अंदर अभी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ रही है, आप इसके अंदर बैटरी प्रोवाइड कर रहे हो तो फिर क्या वैसी पुराने वाली रिलायबिलिटी लोगों को मिलेगी या फिर नहीं, ये एक ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन अभी होते जा रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपके कोई ओपिनियन है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बोल सकते हो। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।